जय माता दी दोस्तों, मैं पुष्पा देवी करती हूँ आज का ब्लॉग की स्टार्टिंग। और आशा करती हूँ आप लोग अपने अपने घरों में स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज के वीडियो की मैं शुरुआत पता है कितने बजे से कर रही हूँ? दोपहर के 1 बजे से, क्योंकि आज अमन घर पे ही है, उसका आज पेपर है, तो सुबह से मुझे टाइम नहीं लगा, काम वगैरह कर रही थी। तो आज मैं दिन का खाना बनाने लग रही हूँ। गैस पे मैंने कुकर में मैंने चावल पकाने के लिए रख दिए हैं और यहाँ मैंने प्याज और टमाटर वगैरह भून लिए हैं। आज मैं बताया क्या बना रही हूँ चावल के साथ, आज मैं बना रही हूँ जो मैंने पहले भी बनाए हैं वीडियो में, भटके डुबके कुमाऊनी रेसिपी। कुमाऊनी दाल है ये, इसको चावल के साथ खाते हैं भटके डुबके। भट होती है जो भटके दाल, काले काली, उसको पीस के बनाते हैं भटके डुबके। इसमें मैंने पीस के रख दिए हैं मिक्सी में, थोड़े इसमें ज़्यादा आ नहीं रहे थे, भर गया था ये पूरा, तो मैंने इसमें रखे हैं। ये देखिए ये भर चुका है पूरा। फिर मैंने डोंगे में रखे हैं। अब मेरा लहसुन, अब मेरा टमाटर और प्याज का पेस्ट जो मेरा तेल छोड़ चुका है, अब मैं इसमें मिलाऊंगी इस भटके डुबकों को जो मैंने पीस के रखे हैं भटको। और इसमें देखिए मैंने पानी उबाल के रखा हुआ है, इसमें ना उबला हुआ पानी डालते हैं, कच्चा पानी नहीं डालते, पानी उबाल के डालते हैं। मैं आपको दिखाती हूँ, उसके बाद डालूंगी मिक्सी में से सारे डालूंगी, जार में रखे मैंने काट पीस के। ये देखिए अब इसमें ना थोड़ा पानी, गर्म पानी जार में तो डालूंगी नहीं, तो ये गैस छोड़ देगा, ये ढक्कन में गैस भर जाएगी। इसको ऐसे करके हिला दूंगी। मैं इसको डाल दूंगी, ये दोस्तों अब मैं इसमें ये पानी डाल के भी इसको हिलाऊंगी। गर्म पानी है उबला हुआ, अब इसमें जितना पानी मेरे को आवश्यकता अनुसार, मुझे जितना तरी बनानी है उतना मैं इसमें पानी डालूंगी, फिर बीच में हिलाती भी रहूंगी। ये देखिए दोस्तों मिक्स हो चुका है, अब मैं इसको पकने के लिए रख दूंगी। मेरे कुकर की सीटी भी आ रही है, शां 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 कर रहा है, सुनिए आवाज आ रही है ना। दाल भी पक रही है भटके डुबके और मेरा चावल भी पक रहे हैं। अब आज धूप की बात करते हैं, मौसम की, तो धूप आज बहुत तेज है। देखिए तो बहुत तेज धूप खिली हुई है, ये देखिए मेरी आंखों में आ रहा है ना धूप की किरणें। हमारे ना ऊपर जाली है ना, यहीं से सूर्य देव आ जाते हैं, हमारे अंदर रूम तक आते हैं। ये देखिए ये दिख रहे सूर्य देव, और अभी मैं आपको दिखाती हूँ रूम तक इनकी रोशनी जाती है सूरज की। ये देखिए ये देखिए, अभी तो सूरज उधर को जा चुका है, लेकिन बाद में जब सूरज पहले इधर था ना, तो पूरे अंदर तक अच्छे से धूप आ रही थी। अब धीरे धीरे सूरज खिसक चुके हैं तो धूप भी उधर को जा चुकी है, नहीं तो सुबह के टाइम पे ना पूरे अंदर तक आते हैं हमारे, अच्छा होता है। तो मैं सुबह खिड़की वगैरह खोल देती हूँ, ये खिड़की का पर्दा वगैरह हटा देती हूँ, ताकि सूर्य की किरणें हमारे अंदर तक आए, क्योंकि सूरज की किरणें भी ना बहुत ज़रूरी हैं हमारे शरीर में लगने के लिए। वैसे मैं ऊपर चली जाती हूँ धूप सेकने के लिए, लेकिन जो रूम में नमी सी रहती है ना, सीलन सीलन जैसी, वो भी सूरज की किरणों से ना, जबकि सूरज की किरणें अंदर आती हैं तो वो भी अच्छे से फ्रेशनेस सी हो जाती है रूम में भी। तो पकाते हैं खाना, अभी तो वैसे 1:15 हो रहा है, मन को जाना है 2 बजे तक, हमको तो बहुत टाइम है। जी तो दोस्तों अब अमन से पूछते हैं आज उसका कौन सा एग्ज़ाम है और उसके एग्ज़ाम की तैयारी हो गई है कि नहीं हुई है। चलिए अब अमन से पूछते हैं। ये रहा अमन। अमन आज आपका कौन सा एग्ज़ाम है? आज मेरा मैथ का एग्ज़ाम है। अच्छा, तो तैयारी वगैरह हो गई आपकी? हाँ। कितने चैप्टर आ रहे हैं? 6 चैप्टर आ रहे हैं। अच्छा, तो हो गई है उन सबकी तैयारी? हाँ। तो कितने बजे से एग्ज़ाम? 2:30। तो स्कूल में कितने बजे पहुंचना है? 2 बजे तक। 2 बजे तक पहुंचना है, तो आप तैयार हो चुके हो? हाँ।
अमन ने वैसे स्कूल की ड्रेस वगैरह पहन ली है, अभी अमन लंच करेगा तो प्रिपरेशन वगैरह हो गई। हाँ क्या कैसा होगा पेपर? अच्छा अच्छा होगा, अच्छा आएगा क्वेश्चन पेपर, अच्छा आएगा, कैसा आएगा? आप देखते हैं पेपर कैसे आएगा। सॉल्व हो जाएगा, अच्छे से देखना पेपर, ठीक है? हर क्वेश्चन को देखना कि आपको आता है कि नहीं आता, पहले वो क्वेश्चन पेपर क्वेश्चन करना जो आपको आते हैं, छोड़ के नहीं आना कोई भी क्वेश्चन, क्वेश्चन को देखना है, जो क्वेश्चन नहीं आते हैं उसमें से रिलेटेड कुछ भी, कोई उसका फॉर्मूला वगैरह कुछ ही आता है तो वो भी लिख सकते हो, कुछ नंबर तो मिल ही जाएंगे, लेकिन जहाँ तक वो पेपर अच्छे से करना है, ठीक है? किसी चीज़ में डाउट हो किसी क्वेश्चन में तो आपका जो एग्जामिनर टीचर आएगा आपके एग्जामिनेशन हॉल में तो आप उससे पूछ सकते हो, ठीक है? ठीक है। तो दोस्तों हमने अमन से पूछा कि अमन का पेपर कौन सा है, तो अमन 9th क्लास में है, थोड़ा सा मुझे भी चिंता वगैरह है ही उसकी, बाकी सब भोलेनाथ पे छोड़ दिया है मैंने, और मेरे बजरंगबली मेरे बड़े भैया जी मेरे बनाए हैं बजरंगबली को, अब मामा जी देखते हैं क्या करते हैं अमन के, क्योंकि मेरे बड़े भैया हैं वो, मैंने उनको अपना बड़ा भाई बनाया है बजरंगबली जी को, कुछ भगवान जी मेहनत करेंगे कुछ अमन करेगा, सबसे पहले तो अमन की मेहनत है, उसके बाद पीछे पीछे भगवान जी हैं ही, है ना? है ना अमन? है ना? आगे आगे अमन की मेहनत और पीछे पीछे भगवान जी का आशीर्वाद, तो देखते हैं अब अमन निकल पड़ा है तैयार होने की उस पे राह पे, फिर चलेगा स्कूल, उसके बाद ये खाना तैयार हो जाएगा, फिर ये खाना वगैरह खाएगा, मैं चली जाऊँगी गरिमा को लेने, 2 बजे उसकी छुट्टी होगी, गरिमा की 2 बजे छुट्टी होगी, अमन 2 बजे जाएगा, मतलब जब मैं अमन गरिमा को लेने जाऊंगी ना तब अमन, जब मैं आऊंगी तो अमन स्कूल जा चुका होगा, तो मैं उसको अपना आशीर्वाद पहले ही दे दूंगी, पैर छू के जाना मेरे, ठीक है? आशीर्वाद लेके जाना, ठीक है? अच्छे से फिर मैं आपको आशीर्वाद दूंगी, आशीर्वाद तो वैसे मेरा हमेशा ही साथ है, माँ बाप का आशीर्वाद तो हमेशा ही बच्चों के साथ होता है, चाहे वो पैर छुए या ना छुए, तो वैसे ही मेरा आशीर्वाद भी मेरे बच्चों के साथ हमेशा ही है। खाना मेरा तैयार हो चुका है, अब देखते हैं सब्जी देखूं पहले बनी है कि नहीं बनी, उबाल आ तो आ गया होगा, अब देखती हूँ कितनी पक गई है, चावल की सीटी तो आ गई थी, चावल तो बन गए थे, ओहो इसमें तो बाहर ही निकल गया दोस्तों, ये देखिए सब्जी ना थोड़ा सा तेज उबाल आ गया होगा, वैसे ढक्कन तो मैंने इसीलिए खोला था, पता नहीं क्यों बाहर आ गई सारी सब्जी। चलिए चलिए दोस्तों, मम्मी आज मेरा पहला पेपर है, मुझे आशीर्वाद दो कि मैं 9th क्लास अच्छे से पास हूँ। वेरी गुड, मेरा आशीर्वाद तो हमेशा ही तेरे साथ है, तेरे सारे पेपर अच्छे हो, भगवान तुझे सद्बुद्धि दे और तू अच्छे से पेपर करे, ठीक है? और मेरे से पहले भगवान जी का भी आशीर्वाद ले ले, आ जा भगवान जी का। अब ये दोस्तों अमन लेगा भगवान जी का आशीर्वाद, माँ का आशीर्वाद तो इसने ले ही लिया, दादी घर पे नहीं है, आप लोग सोच रहे होंगे कि दादी का आशीर्वाद क्यों नहीं लिया, ये दादी का आशीर्वाद भी लेता, लेकिन दादी अभी जैसे कि आप सबको पता है कि डेली घूमने जाती हैं, दादी अभी घर पे नहीं है, दादी आएंगी तो दादी का आशीर्वाद भी अमन ज़रूर लेगा, और उनका आशीर्वाद तो हमेशा साथ है ही अमन के, क्या हम सबके साथ, तो अमन ले रहा है यहाँ पर भगवान जी का आशीर्वाद। अमन भगवान जी का आशीर्वाद लो, भगवान जी के पैर छुओ, भगवान मुझे आशीर्वाद लो, भगवान मुझे सद्बुद्धि दो कि मेरा पेपर अच्छे से हो जाए, मेरा पेपर अच्छे से हो जाए, दोनों हाथ जोड़ो मत्था टेको, वेरी गुड। तो दोस्तों अमन तैयार हो चुका है, अब अमन खाना खाने जा रहा है, अब अमन खाना खाने जा रहा है, उसके बाद अमन स्कूल जाएगा, वो उसने आशीर्वाद मेरा पहले इसलिए ले लिया क्योंकि मैं जा रही हूँ गरिमा को लेने के लिए, जैसे कि मैंने आपको बताया ना, जब अमन जा चुका, जब मैं आऊँगी तो अमन घर पर नहीं होगा, उसके 2 बजे उसका वो चला जाएगा, उसका 2:30 से पेपर है और गरिमा आएगी 2:15, तो इसलिए उसने मेरा आशीर्वाद पहले ही ले लिया है, अब मैं जाऊंगी गरिमा को लेने, चलते हैं। ये रहा अमन, शर्माता भी बहुत है ये बड़ी मुश्किल से आया है, वीडियो में ही बहुत शर्माता है, अभी भी कह रहा था मैं नहीं आऊँगा मैं नहीं आऊँगा, मैंने कहा नहीं बेटे, तो अमन आ गया वीडियो में और अमन का आज पेपर है, आप सब लोग अमन को आशीर्वाद देना, अपनी गुड विशेज़ देना, ब्लेसिंग देना कि अमन का अच्छा एग्ज़ाम हो और अमन अपनी 9th क्लास की परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाए। तो मैं निकल चुकी हूँ गरिमा को लेने,
2:45 हो चुके हैं, मेरी माँ की छुट्टी हो जाएगी 2 बजे, जब तक मैं पहुँचूँगी। आज धूप बहुत अच्छी निकली है, लेकिन ना हवा भी चल रही है, हवा बहुत है। अगर हवा ना हो ना तो स्वेटर नहीं पहना जाएगा, लेकिन हवा है इसलिए स्वेटर पहना जा रहा है, क्योंकि ठंड है हवा की। धूप खिली हुई है चारों तरफ, अमन भी जा चुका होगा स्कूल शायद। इसकी दादी अभी आई नहीं थी। दोस्तों, जब मैं सुबह गरिमा को छोड़ने जा रही थी ना, तो मैंने देखा था कि आज जैसे वीरवार है ना, तो हमारे इधर साईं बाबा का मंदिर है, कम से कम आधा घंटा होगा, आधा घंटा का सफ़र है। बस में जाऊँ तो आधा घंटे से भी कम है शायद। तो सुबह जब मैं गरिमा को इसी रास्ते से छोड़ने जा रही थी, नाले वाले रास्ते से, तो वह एक ना मही औरत दंडवत लेट के जा रही थी, निशान लगा के कहेगा, जैसे किसी भी धार्मिक स्थल पे जाते हैं, किसी की मान्यता होती है ना, वो जैसे जाते हैं वैसे ही वो भी दंडवत लेट के जा रही थी। तो कहते हैं ना, भगवान की श्रद्धा इंसान को वो चीज़ कराने में इंसान को बहुत खुशी मिलती है। तो भगवान ये नहीं देखता, भगवान जो भक्त होता है वो ये नहीं देखता कि मैं किसी बड़े धार्मिक स्थान पे ही जाऊंगा, तो ऐसे जाऊंगा, वो जाऊंगा। भगवान की मान्यता तो किसी पत्थर में भी हो जाती है, किसी टूटी हुई मूर्ति में भी, किसी में भी, किसी पेड़ में ही श्रद्धा इंसान की ना नज़र आ जाती है। मैंने ना मतलब वो क्या कि देखो, इंसान की मान्यता, इंसान का विश्वास भगवान के प्रति, भगवानों को हमारे और करीब ले आता है, भक्त के करीब भगवान को और खींचे ले आता है। मैंने एक बुजुर्ग महिला को देखी थी, जैसे मैं दिखाती हूँ ना कि हमारे इधर पीपल का पेड़ है, जैसे मूर्तियाँ लोग खंडित वगैरह रख देते हैं ना, तो वहीं पे एक बुजुर्ग महिला ना उस टूटी हुई मूर्ति को हाथ जोड़ के प्रणाम कर रही थी। मैंने कहा देखो, भक्त के लिए कोई ये ज़रूरी नहीं है कि भगवान किसी मंदिर में ही हो। भगवान की जो भक्त की श्रद्धा होती है ना, वो इस इंसान को कहीं भी भगवान के दर्शन करा देती है। मैं उस बूढ़ी बुजुर्ग औरत को देख के ना भावुक सी हो गई। मैंने कहा भगवान देख तेरे भी कितने अच्छे निराले खेल है ना। मेरे 2 सीन देखे आज सुबह सुबह, मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे बहुत खुशी। सरस्वती माता की पूजा हुई थी तो भंडारा हो रहा है। गरिमा की छुट्टी हो गई है, रही गरिमा आज ना, गरिमा थोड़ी ढीली है, इसको खांसी हो गई, जुकाम तो हो ही रहा था जब से शादी से आए, तो इसको खांसी हो गई है। और इसने आज ना लंच में भी एक ही रोटी खाई है, कह रही है मन नहीं था। मेरी माँ लंच में एक ही रोटी खाई आपने, क्यों? उसको मन नहीं था, क्योंकि जो हमारी तबीयत ठीक नहीं होती है, जुकाम वगैरह होता है, बुखार होता है, कुछ भी होता है, तो आप सभी को पता ही है, वो सभी के साथ होता है कि खाना खाने का मन नहीं होता। आज मैंने आलू मेथी की सब्जी दी थी, गरिमा ने नहीं खा के आई है, एक ही रोटी खाई है। गरिमा भी आके लेट गई, ये देखिए गरिमा थक गई हैं, इधर मुँह कर, इधर देखो थक गया, गर्मी धूप हो गई थी। दोस्तों, अब गर्मी हो गई है ना थोड़ा सा, अब आके ऐसी होगा जैसे हम स्कूल से आते थे गर्मी में ना, आके एकदम सोचे लेट जाते थे, मैंने बैग पटका, बिस्तर में लंपा सार हो गए। अब वैसी गर्मी शुरू हो गई, आज तो गर्मी है, बैग रखते ही फिर हम लेट गए, गर्मी भी थक गई, मैं भी थक गई, दोनों लेटे पड़े हैं। अमन चला गया स्कूल, अब थोड़ा सा 5 मिनट रिलैक्स करेंगे, उसके बाद ही हम उठेंगे। ऐसी होगा अब गर्मी में तो रोज़ आ चुका है स्कूल से, आ गया। हाँ। कैसा हुआ पेपर? अच्छा। अच्छा? इजी था, टफ था? इजी इजी था। दिख गई क्वेश्चन पेपर? हाँ।
दोस्तों ये है अमन का क्वेश्चन पेपर मैथ का, अब हमें इससे डिस्कस करती हूँ कैसा हुआ क्या हुआ। दोस्तों अब अमन से उसके पापा पूछ रहे हैं, आज तक तो कभी पूछा नहीं, नर्सरी से लेकर एट्थ तक अमन पढ़ चुका है, जब तो कभी भी नहीं पूछा, आज नाइन्थ स्टैंडर्ड में देखते हैं कैसे पूछते हैं। आया ही नहीं बोलते हैं, देख लो तुमसे तो सही है, क्या बोलते हो? नौवीं तो बोला है, नौवीं तुम बोलते हो, नाइन नाइन तो पढ़ा लिखा कौन है तुम? देखा सीखो कुछ, कर दीजिए। तो अब मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय माता दी दोस्तों।